मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इसमें न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन गारंटी है। योजना में परिवार और महंगाई के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी शामिल है। इस स्कीम से 23 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचने वाला है। सुविधा ये भी है कि कर्मचारी नई पेंशन योजना या यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं। चलिए आपको देते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। सबसे पहला सवाल ये कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए कौन पात्र है। योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और वो सभी लोग इसके लिए पात्र हैं जिनका 31 मार्च 2025 तक रिटायरमेंट है या बकाया राशि के साथ वो रिटायर होने वाले हैं। एनपीएस के सदस्य यूपीएस का फायदा उठा सकेंगे। अगला सवाल, इसका जवाब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को मौजूदा नई पेंशन योजना और यूपीएस के बीच चुनने का विकल्प मिलेगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कितनी मिलेगी पेंशन। इस नई योजना में कई आकर्षक लाभ शामिल हैं। सबसे पहले इसमें न्यूनतम पेंशन की गारंटी है। अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है तो आपको हर महीने कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों में आपके औसत वेतन का 50% आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। ये 25 साल की सेवा पूरी करने पर लागू होगा। अगला सवाल, क्या फैमिली पेंशन का प्रावधान है इसमें। स्कीम में अश्योर्ड फैमिली पेंशन का फायदा मिलता है। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 60% पेंशन मिलेगा। क्या महंगाई भत्ते का प्रावधान है, तो नई स्कीम में महंगाई भत्ते का भी प्रावधान है। इसका मतलब ये है कि समय के साथ कर्मचारी की पेंशन का मूल्य घटेगा नहीं, महंगाई के हिसाब से कर्मचारी की पेंशन में बढ़ोतरी होती रहेगी। इससे जुड़े आपके जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।